अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ई फार्मेसी के विरोध के चलते देश भर में दवाई विक्रेताओं ने 28 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया था, जिसको लेकर बठिंडा में भी इसका असर देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर की सभी दुकानें बंद हैं। इस बारे में केमिस्ट एसोसिएशन के जिला प्रधान ने बताया कि जो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री हो रही है उसमें नशा व पाबंदी शुदा दवाइयां भी लोगों के घरों में आसानी से पहुंच रही है, जिसके कारण मेडिकल स्टोर का काम बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है और नशे का काम भी बढ़ रहा है। इसी के चलते यह हड़ताल की गई है। केंद्र सरकार द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 जो शोध की है ई फार्मेसी की, वो अगेंस्ट अज असं डीसी नूं मांग पत्र देन जा रहे हैं, क्योंकि जी ऑनलाइन ई फार्मेसी है जिथे ये साढ़े लिए घातक है उत्थे ये आम पब्लिक लिए भी बहुत खतरनाक है। असं सरकार को यह दसना चाहते हैं भी इस दे नाल नौजवान पीढ़ी है जी खत्म हो जा रही है, जिड़ी कि नशे के उत्ते पाबंदीशुदा दवाइया है वो बड़े आराम नाल ऑनलाइन ई फार्मेसी तो मिल सकती हैं। असी कहने सरकार जे वो साढ़े तो पाबंदी ला रही है तो वो ऑनलाइन ई फार्मेसी की पाबंदी लगनी चाहिए है, और जो इन्हों का लिया का सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। जिथे सानू एक सरकार एक छोटी जी दुकान का लसेंस दिंदी है भी उत्थे असी सेल परचेज कर सकते हैं, जदों कि इन्हां कोले कोई लसेंस नहीं है, ये जिथे मर्जी जिहड़ी मर्जी ट्रांसपोर्ट राही ये माल मंगा सकते हैं। असी कहने सिस्टम बिल्कुल गलत है, सरकार नू ये जिहड़ी है बंद कर देना चाहिए और ये वापस लेना चाहिए पहला। कैमरामैन कुलविंदर सिंह के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।